डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसका नेक्स्ट पार्ट है डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल। इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है यदि दो मीडियम जिनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो वहाँ से लाइट, उनके इंटरफेस से लाइट गुजरी तो लाइट क्या हुई, मीडिया फर्स्ट से मीडिया सेकंड के बीच में जो आपका इंटरफेस है उस इंटरफेस से गुजरने पर ईटा वन और ईटा टू अलग है, ईटा मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है, तो लाइट का कुछ पार्ट या अधिकतम पार्ट क्या हुआ या कंप्लीट पार्ट वापस फर्स्ट मीडिया में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन का मतलब क्या है, आपने लाइट को एक छोटे से स्लिट से गुजारा तो सीधा जाना चाहिए लाइट, नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, सीधा नहीं जाता, लाइट को स्लिट से गुजारने पर उसके स्लाइट बेंडिंग हो जाता है, उसके पथ से स्लाइट बेंडिंग हो जाता है, उसे हम कहेंगे डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन सॉलिड में डिफ्रेक्शन तभी मिलेगा जब सॉलिड के एटम्स के बीच में जो गैप है और लाइट का लेमडा है उसमें रिलेशन क्या होना चाहिए कि गैप बिटवीन एटम्स इज लेस देन और इक्वल टू लेमडा, मीन्स लाइट का लेमडा ज़्यादा होना चाहिए या बराबर हो जाए तो भी डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो इस डिफ्रेक्टेड लाइट का बाद में क्या हुआ, व्यतिकरण। व्यतिकरण मीन्स ये डिफ्रेक्शन हुआ, डिफ्रेक्शन के बाद आपकी वेव्स, कुछ वेव्स समान फेज में समान कला में मिली, उसे कहेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, संपोषी व्यतिकरण, जिससे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और हमें वो लाइट मिली ब्राइटर, चमकीली। और कुछ का हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मींस कुछ मिली अपोजिट फेज में तो आपस में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो गया और उनका क्या हुई, लाइट होगी डल। तो यहां पे आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे चमकीली और काली रेखाएं मिलेंगे, इस तरह चमकीले और काले मिलेंगे, जिसे हम कहेंगे फोटोग्राफिक प्लेट भी कहेंगे या विवर्तन ग्रेटिंग कहेंगे। विवर्तन ग्रेटिंग एक धातु की प्लेट है और उस पे इस तरह का विवर्तन मिलेगा, उसे हम कहेंगे डिफ्रेक्शन पैटर्न। अब डिफ्रेक्शन पैटर्न से हम क्या पता लगा सकते हैं, डिफ्रेक्शन पैटर्न से हम जो सॉलिड के बीच में एटम्स हैं, सॉलिड में एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, गैप बिटवीन एटम्स का पता लगा सकते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न से। तो समझ में आ गया डिफ्रेक्शन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपका लाइट से हमने सॉलिड से गुजारा, लाइट में बेंडिंग हुआ, बेंडिंग से फिर क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस के बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और उसके बाद हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला। डिफ्रेक्शन पैटर्न का क्या यूज है, डिफ्रेक्शन पैटर्न का यूज है कि इससे गैप बिटवीन एटम्स के बीच का गैप का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने एक्सरे यूज किया, लाइट की जगह कौन सा यूज किया, कौन सी लाइट की यूज की, एक्सरे, तो उसे हम कहेंगे एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न। एक्सरे का लेमडा और गैप बिटवीन एटम्स जो है ना वो होता है, उनका ऑर्डर होता है 10^-8 सेंटीमीटर और 0.1 नैनोमीटर, इसलिए एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न, जिसे हम एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, इसमें है ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन में क्या है आपका, देखिए ये ब्रेग इक्वेशन है, ये हमारे पास कोई सॉलिड है, ये आपका प्लेन है, लैटिस प्लेन है, फर्स्ट सेकंड, और ये लैटिस प्लेन के बीच की दूर डिस्टेंस है जिसे हम लिखेंगे डी से। अब यहाँ पे ये रेज फर्स्ट आई, इस एटम से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रेज टू आई यहाँ से और सेकंड प्लेन में गई और यहाँ से टकराई और इसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे ब्रेग इक्वेशन का क्या यूज है, ब्रेग इक्वेशन से हम गैप बिटवीन एटम्स का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, रेज फर्स्ट रेज सेकंड, अब इनके बीच में रेज फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या हुआ, पथांतर, पाथ डिफरेंस कितना है आपका, ये हो गया ना पाथ डिफरेंस, ये फर्स्ट रेज होगी, ये सेकंड रेज, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, यहां से अपन लंब लेंगे तो यहां हुआ BC + CD, D यहां पे है दो तलों के बीच की दूरी,
ये जालक तल है, जालक प्लेन है, लेटिस प्लेन, उनके बीच की डिस्टेंस है डी। और अब देखिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी, दो त्रिभुज हो गए ए सी डी और एक हो गया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी डी में साइन थीटा क्या हुआ, ए सी डी में साइन थीटा हो गया हमारा सी डी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में क्या हुआ, बी सी अपॉन ए सी, ए सी कितना है हमारा ए सी, ए सी है डी के बराबर, ए सी बराबर डी लिख दिया हमने, तो हमारे पास आया सी डी बराबर डी साइन थीटा और बी सी आया डी साइन थीटा, तो पथांतर पार्ट डिफरेंस क्या हो गया बी सी प्लस सी डी, यानी डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा क्या हो गया टू डी साइन थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक शर्त है कि जो पथांतर है पाथ डिफरेंस होना चाहिए इज इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा यहाँ लाइट का क्या है वेव लेंथ, और यहाँ पे एन है यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या 1, 2, 3, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा एन लेमडा, पथांतर क्या हो जाएगा एन लेमडा है, एन लेमडा दिस एन लेमडा बराबर टू डी साइन थीटा, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे एन लेमडा अपॉन टू डी साइन थीटा। यदि थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ और n की वैल्यू 1 होने पे क्या हो जाएगा d मिनिमम, मींस दो जालक तलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम लेमडा बाई 2, यानी एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए, किसी क्रिस्टल से डिफ्रेक्शन पैटर्न प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन लेटिस प्लेन कितना होना चाहिए एल लेमडा, लेमडा बाय टू तो होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिस प्लेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा बाई 2, दैट इज द ब्रेग इक्वेशन।